आपके जेईई एग्जामिनेशन में मात्र 4 से 5 दिन बचा हुआ, तो ये 4 से 5 दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपका परसेंटाइल और इम्प्रूव करे। तो यहाँ पे हम दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आप लोगों को अभी करना चाहिए, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी किए हैं, जिन लोगों का कुछ प्रिपरेशन है। पहला पॉइंट, आप PYQ बनाएं। PYQ आप जरूर सॉल्व करके जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का। अगर पीछे 5-6 साल का पेपर आप सॉल्व करके जाएंगे तो आपको जो पेपर मिलेगा वहां पे पेपर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप बनाए हुए रहेंगे, जो आपका देखा हुआ प्रॉब्लम होगा। PYQ अगर आप करके जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम टफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोग जनरली देखते होंगे, आप लोग पहला सेशन का एग्जाम भी दिए हैं, पहले सेशन में भी आप लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपको आता था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप गलत करके आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये कन्फर्म बात है, ये सबके साथ होता है। आप जरा सोचिए, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते उन क्वेश्चंस में तो आपका 25 से 30 नंबर बढ़ जाता है एग्जाम, और अगर 25 से 30 नंबर आपका बढ़ता तो आप सोचिए आपका परसेंटाइल कितना अच्छा हो जाता, कितना इंप्रूव कर जाता, आप आसानी से 95-96% में चले जाते। इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक को सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन मिस्टेक एक ऐसा चीज होता है जो आप एग्जामिनेशन में जाके इमीडिएट ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उस पर प्रोसेस करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो अभी जो भी आपके पास 4 से 5 दिन बचा हुआ है, इस पे आप जो भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जो भी मैथ्स का प्रॉब्लम बनाते हैं, उसको हमेशा बनाते समय ये ध्यान में रखें कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप ये 4-5 दिन भी कैलकुलेशन मिस्टेक पे काम करते हैं तो वो आपका अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा, और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक कम हुआ तो ऑटोमेटिकली वो